And now we will be discussing a very important component, one of the components of the financial statements. You remember there are five components of financial statements: balance sheet, the statement of financial position, then income statement, yeah, statement of profit or loss, and other comprehensive incomes. Okay? Or statement of changes in equity and the other things as well. so

उन गेन्स एंड लॉसेस को रेकग्नाइज करते हैं जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में रेकग्नाइज नहीं हुए होते एक तो यह बात रखनी है और दूसरा ये वो गेन्स और लॉसेस होते हैं जो अनरियलाइज्ड गेन्स एंड लॉसेस होते हैं जो तो रियलाइज गेन्स एंड लॉसेस हैं वो पहले से स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस का हिस्सा बन चुके हुए हैं और जो अनरियलाइज्ड गेन्स एंड लॉसेस हैं वो आपके स्टेटमेंट ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में शो किए जाते हैं अब ये अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के जो गेन्स एंड लॉसेस जो कि रियलाइज नहीं होते अनरियलाइज्ड होते हैं रेकग्नाइज तो कर रहे हैं प्लीज रिमेंबर दिस थिंग वी आर रेकग्नाइजिंग दोज वी आर कैप्चरिंग दोज इन द स्टेटमेंट ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बट दीज आर अनियलाइज एंड अनियलाइज वी नो वेरी वेल हैव लर्न दिस कॉन्सेप्ट दैट जिसके लिए कैश रियलाइज नहीं होता उसके नॉन कैश रिसोर्स से रियलाइज का हमने ये मीनिंग लिया था कि जब आप नॉन कैश रिसोर्सेज से मनी रियलाइज कर लें ओके okay, और अगर रियलाइज नहीं किया आपने उसमें मॉनेटरी टर्म्स के अंदर तो वह अनरलाइज है ये दो तरह के होती है इसको ब्रॉडली पहले देख लीजिए एक तो ये विच विल

Will not be reclassified subsequent to statement of profit or loss. Number one is changes in revaluation surplus. we are isko just statement. You just try to understand this thing. Yes, sample company is the name of the company, and statement of other comprehensive income is the title of the statement that we are preparing, and this is the reporting period. Well, here we are.

रीवैल्यू करने की वजह से आपका रीवैल्यूशन सरप्लस है अपवर्ड गेन है उसको आपने यहां पर करना फॉर द ईयर इस साल में ऑलवेज रिमेंबर स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रीहेंसिव इनकम जो है फॉर द ईयर फॉर द रिपोर्टिंग पीरियड बनाई जाती है उस साल के दौरान में जितनी रीवेल्यूएशन हुई हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की या इंटेंजिबल एसेट्स की उसको और कंपेरेटिव आपने ओबियसली पिछले साल का देना या फिर चेंजेस इन एक्चूरियल गेन और लॉसेस ऑन डिफाइंड बेनिफिट प्लान ये आपके सिलेबस में नहीं है मैंने जस्ट उसको कंप्लीशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहां नोट किया है आपसे मैं यही कि इस बॉदर ना करें आप अंडरस्टैंड करें रिवेल्यूएशन सरप्लस को ओके okay? तो ये जो सरप्लस की बात आपने यहां पर स्टेटमेंट ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर प्रेजेंट करनी है ये है अनरियलाइज्ड गेंस ऑलराइट आपने होल्ड किया हुआ था उस लैंड को सपोजली आपने एक प्लॉट ऑफ लैंड खरीदा पांच साल पहले आपने वन मिलियन का खरीदा था और अब वो वन पॉइंट थ्री मिलियन पे वैल्यू हो गया उसकी फेयर वैल्यू वन पॉइंट थ्री मिलियन होगी तो पॉइंट थ्री मिलियन मीन्स तीन लाख रुपए जो उसमें इंक्रीज आई उसको आपने कैश में तो रियलाइज नहीं किया वो तो जस्ट एक होल्डिंग गेन है फॉलो कीजिएगा आप इस रियलाइज और अनरियलाइज्ड के कॉन्सेप्ट को वो एक होल्डिंग गेन है जो कि अभी रियलाइज नहीं हुआ तो वो अनरियलाइज गेन आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में रेकग्नाइज नहीं करेंगे बल्कि अनरियलाइज गेन को आप स्टेटमेंट ऑफ अदर कॉम्प्रीहेंसिव इनकम में रेकोगनाइज करेंगे ठीक है जो उधर रेकोगनाइज नहीं हो सके उनको हम यहां पर रेकग्नाइज करेंगे ताकि हम कॉम्प्रीहेंसिव इनकम मालूम कर लें कि हमारी एंटिटी की क्या है ऑलराइट बस आपने रियलाइज्ड और अनरियलाइज्ड के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छा सा सीखना